अलीगढ़ के लोगों से मैंने कहा कि एक ताला बहुत बढ़िया बनवा दो, क्योंकि इस बार साइकिल और हैंडपंप दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर करके ताला लगा देंगे उसमें। बताओ हमारे मार्ट के लोगों, ताला लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसा ताला बनवा रहे हैं जिसकी दूसरी चाबी नहीं होगी कोई। ये ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जब से गठबंधन हुआ है ये दो दल साथ आए हैं, और हमारे ये बुजुर्ग लोग हैं, ये जानते होंगे कि जब जब इस तरह की ताकत एक हुई है पूरे के पूरे राजनीति में बदलाव आया है। जब कभी ऐसे लोग नेता साथ आए हैं, जब ऐसी विचारधाराएं साथ आई हैं, वो परिवर्तन होकर के रहा है। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं मुजफ्फरनगर से लेकर के, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, आगरा में कल थे और आज आपके बीच में हैं, ये जो हवा चल रही है, ये जो जनता का सैलाब चल रहा है, इसी से भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है और उनकी भाषा बदल गई है। और सोचो क्या भाषा बदली है, हमें जो कुछ कह रहे हैं वो तो पहले से कहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नया कुछ नहीं कह रहे, हमें जो कहते थे वो पहले से कहते आ रहे हैं। अब हमसे ज्यादा तकलीफ जैन चौधरी से है। हमसे जो परेशानी रही होगी वो तो है उनको, लेकिन जब से जैन चौधरी साथ आए हैं उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, परेशानी बढ़ गई हैं। वो कहते हैं कि अभी तो साथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाद में साथ नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी लोग एक बार साथ ले लेते हैं फिर किसी का साथ नहीं छोड़ते। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये नौजवानों का भविष्य क्या है, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। जो फौज में भर्ती होती, सेंट्रल फोर्स में भर्ती होती थी, न जाने कितने दिनों से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि इनका भविष्य बेहतर हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये सरकार नहीं दे पा रही है। और उनकी उम्र को कोई रोक नहीं सकता, उम्र बढ़ती चली जा रही है। इसलिए नौजवान साथियों, मैं कह के जा रहा हूं, आप बनाइए गठबंधन की सरकार, उम्र की छूट देनी पड़े या ज्यादा भर्ती निकालनी पड़े, हम लोग देने का काम करेंगे। क्योंकि जब कोरोना आया, कोविड आया, क्योंकि जिस समय कोरोना आया और ये बीमारी आई, सब कुछ बंद हो गया। जिस समय बीमारी आई सब कुछ बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गया, जितने छोटे मोटे कारोबार थे सब बंद हो गए। अगर कोई काम कर रहा था तो हमारा किसान काम कर रहा था, अगर किसान काम नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता था। हर तरफ कर्फ्यू था, कोई नहीं निकल नहीं सकता था, लेकिन हमारे किसान, उन्होंने अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। अगर खेती छूट जाती, हमारा किसान अपनी खेती नहीं करता, तो बताओ आज देश का पेट कौन भरता। इसलिए हमें किसान की भी चिंता है, और हम बधाई देंगे अपने किसानों को कि जिनके आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और तीन काले कानून जो लागू किए थे वो वापस लेने पड़े।
हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं, जो किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। और यही नहीं, अगर हमें किसानों की स्मृति में अगर कहीं स्मारक बनाना पड़ेगा तो किसानों की स्मृति में स्मारक बनाने का काम भी हम लोग मिलकर के करेंगे। जो तकलीफ परेशानी है किसानों को, हमारे किसानों को ये खाद नहीं दे पाए, जब खाद की जरूरत थी तो बताओ कोई खाद मिली कि नहीं मिली। और इन लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं, कमाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इनके पास झूठ बोलने के अलावा, झांसा देने के अलावा और झगड़ा कराने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा करा रहे, झांसा दे रहे या झूठ बोल रहे, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने का चुनाव है। इस उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा वो देश का संविधान बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी है कि बताओ चरण सिंह जी की आप विरासत को आगे बढ़ाने का काम करोगे क्या नहीं करोगे। तो जहां संविधान बचाने का है वहीं विरासत बढ़ाने का भी है। इसलिए एक गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का हटाने का काम करेगा। मैं देख रहा हूं जब मैंने योगेंद्र जी का नाम लिया तो उन्होंने अपना नाम ठीक करा दिया। और ये नाम ठीक इसलिए कराया कि मैं कोई गलती बाद में ना करूं, यही बात तो है ना। मैं जानता हूं कि जब गठबंधन होता है तो बहुत सी चीजें आमने सामने आती हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जयंत चौधरी जी ने जो कुछ गठबंधन में कर सकते थे उन्होंने किया और समाजवादी पार्टी भी पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ी है। इसलिए जहां संजय लाठर जी को आप जिता रहे हो, जहां संजय लाठर जी को जिता रहे हो, वहीं आपने देखा होगा अगर बाजार में जाते होंगे कि कभी कभी योजना चलती है एक के संग एक फ्री। इसलिए कहीं योजना चले ना चले लेकिन माठ में योजना यही चलेगी। इसलिए साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हम लोग विकास कर करके आगे ले जाना चाहते हैं। पुराने लोग ये सही है उनका आशीर्वाद मिले, लेकिन कोई पुराना अगर जमा रहो यहां पर तो नए लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है नए लोगों को बढ़ाने की, नए लोगों को आगे बढ़ाने की। हम जितने चारों यहां खड़े हैं सब नए हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब कभी हमें काम करने का मौका मिला जो कहा वो कर करके दिखाया। अगर नोएडा जिले का विकास नोएडा तक है तो उस विकास को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे, मार्ग से लेकर के मथुरा। और मथुरा तो ऐसी जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। हम लोगों ने बहुत काम किया लेकिन इस बार मथुरा और मार्ग को हम गोद में लेने का काम करेंगे, गोद लेकर के इसका विकास कराने का काम करेंगे। हालांकि बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय कम है। इसलिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में
मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो जो जो संकल्प हम लिए हैं वो पूरा करने का काम करेंगे। जहां तक बिजली का सवाल है, हम लोगों ने कहा कि 300 यूनिट फ्री होगी और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जो मिलेगी उसको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सिंचाई मुफ्त होगी। वही हमारे पुराने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। अगर कोई पुरानी पेंशन बहाल करता है तो कर्मचारियों ने कहा हम उनके साथ हैं। हमने उनके साथ मीटिंग की, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने कहा यह संभव हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए अभी और भी चीजें आएंगी जब घोषणा पत्र में आएंगी। आरएलडी ने भी घोषणा पत्र बनाया है। हम दोनों मिलकर के रास्ता निकालेंगे कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, किसानों को खुशहाली के रास्ते पर कैसे लाएं। और जहां तक भर्ती की बार बार कह रहे हो बात, जहां तक हमारे नौजवान हैं, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली हुई है, इतनी नौकरी की जरूरत है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि नौकरी आसानी से मिले और जल्दी मिले, कई बार परीक्षाएं देने जाते हैं परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो, जैसे पहले भी जल्दी भर्ती करा करके दिखाया था, उस दिशा में हम लोग काम करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं इस उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो साइकिल के चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके आप ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना। हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे और किसानों और नौजवानों को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। जहां तक हमारे योगेंद्र नामवार का सवाल है, ये हम पे योगेश, मैं इसीलिए जानबूझ करके चाहता था ये नाम दोबारा मुझे सही बता दें क्योंकि अक्सर ये कह रहे कि मुझे भूल मत जाना। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में एक बात, वैसे सारी बात हो गई और हो क्या गई, मुझे तो लग रहा है संजय हैगो और बाबा गए हो। लेकिन पहले मैंने क्योंकि मैं अपने चुनाव चिन्ह से ज्यादा प्यार करता हूँ, नाम इनका लिया था और हैंडपंप निकल गई थी बात, तो याद रखना साइकिल चुनाव चिन्ह और संजय है आपके आपके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे। धन्यवाद, जय। अखिलेश चौधरी जयंत यादव, अखिलेश चौधरी जयंत यादव। सभी समस्याओं का हो जाएगा अंत, चला दो साइकिल, जिता दो जयंत।